हमारे देश के मान और गौरव का प्रतीक है तिरंगा। क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को किसने तैयार किया था और किस बात को लेकर राष्ट्रपिता को तिरंगे के डिजाइन से नाराजगी थी? नहीं ना, तो आइए जानते हैं। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण है और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले तीन रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसमें मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों से होकर गुजरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम होते हैं? जैसे किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ तीन तिरंगे फहराए जाते हैं। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर देश का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया जाता है। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए जिसका अनुपात 3:2 है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियाँ होना आवश्यक है। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। झंडे पर कुछ भी बनाया या लिखना गैरकानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और न ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग के ढकने के लिए किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान माना जाता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। भारत के बेंगलुरु में 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते हैं और न ही बराबर रख सकते हैं। आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली है। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति नहीं है। पूरे भारत में 21x14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं। कर्नाटक नारगुंडा किला, महाराष्ट्र का बहनाला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने और राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा गया है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन के बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में डाल दिया जाता है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर नदी में समाधि दे दी जाती है। तो दोस्तों, आज आप जान ही गए होंगे तिरंगे के बारे में कई अनसुनी और अनजानी बातें। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।